भारत की ग्रोथ स्टोरी दमदार है। भारतीय बाजारों में FIIs जल्द वापस लौटेंगी। भारत की इकोनॉमी अच्छी रफ्तार से ग्रोथ कर रही है। भारत की इकोनॉमी घरेलू कंजम्पशन पर चल रही है। दरअसल CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बातचीत में अबेकस असेट के सुनील सिंघानिया ने ऐसा कहा है। सुनील सिंघानिया ने आगे कहा कि शेयर बाजार में कोई बबल नहीं बन रहा है। बाजार में कुछ शेयरों के वैल्यूएशन सस्ते हैं, जबकि कुछ शेयरों के वैल्यूएशन महंगे हैं। अपनी बातचीत में उन्होंने फाइनेंशियल, सीमेंट, इंफ्रा, IT पर बुलिश नजरिया रखा है। सुनील सिंघानिया ने कहा है कि साल 2022 में भारत की ग्रोथ ग्लोबल इकोनॉमी से अलग रही। ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी, सुस्त ग्रोथ का अनुमान था। ऐसे में भारत की इकोनॉमी अच्छी रफ्तार से ग्रोथ कर रही है। चुनौतियों के बीच भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ बेहतर रही है। बाजार में इस समय इंडिया का टाइम चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी घरेलू कंजम्पशन पर चल रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से कुशलता बढ़ी है। कच्चे तेल में लगातार कमी का ट्रेंड बना हुआ है। सुनील सिंघानिया ने आगे कहा कि बाजार में कुछ शेयरों के वैल्यूएशन सस्ते, कुछ के महंगे हैं। कई सालों बाद देश में बड़ा FPI निवेश आया है। पिछले 1.5 साल से बाजार की चाल सुस्त थी। 6 तिमाहियों में कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ 30% रही। अक्टूबर 2021 के मुकाबले बाजार अभी भी 30% सस्ता है। 2 साल में कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ 16-17% संभव है। सुनील सिंघानिया ने कहा कि बाजार में बहुत तेजी बाकी है। FIIs जल्द बाजार में वापस लौटेंगे। अगले 18 महीने में FIIs द्वारा तेज निवेश करने की उम्मीद है। भारत की तेजी तो अभी शुरू हुई है। बाजार में बबल जैसी कोई बात नहीं है। ऊंचे वैल्यूएशन वाले शेयर से निवेशक बचें। सुनील सिंघानिया ने निवेश के बारे में बात करते हुए कहा, बाजार में निवेश करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 6-7% के बीच रहेगी। मार्केट में 12-15% रिटर्न मिलना मुमकिन दिखाई दे रहा है। अगले 3-4 साल में भारत की इकोनॉमी $6 trillion हो जाएगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आम तौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहां से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाज़ा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि World War II जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था, जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए काम काज दिखा करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर टू के अंदर।